हेलो गाइस, कैसे आप लोग। मेरा नाम है दीपक सिंह और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल मिस्टर प्लम्बर एंड इलेक्ट्रिशियन में। गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा कि आज इस वीडियो में क्या दिखाया जाएगा। आज इस वीडियो में टुल्लू पंप, जिसको मोनोब्लॉक आधे हॉर्स पावर की, वो किस तरीके से फिट की जाएगी, जो कि आम घर में फिट करनी पड़ती है। जिस किसी को भी अपना नया घर बनाना पड़ता है, उसके घर में हर जगह कोई ना कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे टुल्लू पंप एडजस्ट किया जाता है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा भी नया घर बना था क्या, कि मॉडिफाई किया था थोड़ा सा, तो उसमें दो लैटरिन बाथरूम और किचन वगैरह नए तैयार हुए थे। तो वो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा किस तरीके से तैयार हुए। उसकी मैंने पहले भी कुछ वीडियो डाल रखी हैं, आप देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप किसी PVC देख लेना और UP जो अपनी वेस्टेज पाइप देख लेना, और उसकी फिनिशिंग में आप भी नेक्स्ट वीडियो इसके बाद डालूंगा, आप वो भी देख लेना। तो आज हम दिखाएंगे इसमें टुल्लू पंप, जो कि मोनोब्लॉक मोटर बोलते हैं, वाटर टैंक को भरने के लिए पंप, वो किस तरीके से फिट किया जाएगा। आधे हॉर्स पावर का है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। और जो भाई मेरे चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। सो वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे हमने CPVC पाइप, जो कि वाटर सप्लाई पीछे से आया हुआ है, और ये जो सरिये लगाए गए हैं दो, इसके ऊपर हम मोटर लगाएंगे। और इस साइड जो आपको ये झील जाती दिख रही है, ये हमारा वाटर टैंक को जाता जो पाइप वो है। अब हम क्या करेंगे, मोटर जो हमारा टुल्लू पंप है मोनोब्लॉक, इसको फिट करेंगे। ये देखिए गाइस, आप देख सकते हैं इसमें हमने जो मोटर जो अपना मोनोब्लॉक है, इसके ऊपर हमने एक GIT लगाई है, और ऊपर से एक तरफ हमने वाल निकाल दिया है ब्रास का, और पीछे जो टुल्लू पंप के लिए पीछे से जो पाइप दिया जाता है इंटरनल, जो मोनोब्लॉक पंप के लिए पीछे का जो खींच, जहाँ से पानी खींचता है, वो पाइप को भी हमने एक निप्पल लगा दी है 3 इंच लंबी, और उसमें ब्रास एल्बो लगा दिया। और ये देख सकते हैं जहाँ पे हमारा वाटर टैंक को पाइप जाएगा, उसमें हम देखो ब्रास एल्बो लगा के अब CPVC से कनेक्शन जोड़ रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए अच्छे से, देखिए ये देखिए आपके सामने गाइस जोड़ लगा रहे हैं, जो ये वाटर टैंक का पाइप है, जो कि इस पाइप के ज़रिए से हमारा ऊपर का वाटर टैंक भर जाएगा। और जो ये हमारा टुल्लू पंप है, आधे हॉर्स पावर का है, आधे HP का, HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। ये देखिए आपके सामने हम टुल्लू पंप को सेट कर रहे हैं। ये देखिए हमने इस तरीके से कुछ सेट किया है टुल्लू पंप, जो कि फ्लोर से ऊपर है, और जो इसके सरिये लगाए गए काफ़ी अच्छे तरीके से लगाए हैं, जो कि हमारा टुल्लू पंप कोई भी दिक्कत आए तो ऊपर से ना तो गिरे ना कोई भी चीज़, मतलब डैमेज होने का तो सिस्टम है ही नहीं है। अब हम ये जॉइंट लगाएंगे, जो ये पहले नीचे को पॉइंट इसलिए गया था कि पहले टुल्लू पंप जो था किसी और जगह पे फिट होना था, फिर प्लानिंग चेंज हो गई थी, फिर इसी पाइप में से एल्बो लगा के अब टुल्लू पंप नज़दीक लगाया जा रहा है। पहले फ्लोर के अंदर पाइप को दबा के लेके जाना था किसी और जगह पे। और ये देखिए आपके सामने हम अभी इसी पाइप को जॉइंट कर रहे हैं। ये देखिए शानी के साथ हमने ऊपर को ठोक दिया अपने एल्बो को, पूरे अच्छे तरीके से जो जॉइंट लग चुका है। अब जो ये पाइप डाल रहे हैं हम, ये है टुल्लू पंप का इंटरनल, मतलब इनलेट पाइप है, जो अपना टुल्लू पंप होता है उसके जो जहाँ से पानी खींचता है वो पाइप है। ये आपको दिख रहा होगा, एल्बो लगा के हमने जॉइंट लगा दिया है। अब हम लगाएंगे सॉकेट,
ये देखिए आपको अच्छे तरीके से दिखा रहा हूँ मैं जो हमारा टुल्लू पंप किस तरीके से फिट किया था। क्या है कि सही तो फिटिंग देखो, हम ये बता रहे हैं कि फिटिंग कैसे होती है, तो मेन तो इसका ये होता है भी इनलेट आउटलेट, ठीक है। बाकी का जो काम होता है पाइपिंग का वो डायरेक्शन के हिसाब से होता है, आपके वहाँ डायरेक्शन किस हिसाब की होगी, किस हिसाब से फिट होगा वो अलग होता है। और ये देखिए, ये हमने सॉल्वेंट लगा के सॉकेट को लगा दिया, ये देखिए। अब हम सॉकेट को दूसरे पाइप के साथ जॉइंट करेंगे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। गैस टुल्लू पंप कोई लगाना मुश्किल का काम नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया ये आधे हॉर्स पावर का टुल्लू पंप है और लूबी कंपनी का है ये पंप, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, हमने ये जॉइंट लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको वह अपने टुल्लू पंप के साथ जॉइंट करेंगे, जो अपना ब्रास एल्बो लगा करके पॉइंट नीचे किया गया है टुल्लू पंप का इनलेट पाइप को, वहाँ पे हम सीपीवीसी पाइप को जोड़ देंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, हमने टुल्लू पंप कंप्लीट फिट कर लिया। सो ये देखिए गाइस, हमने टुल्लू पंप बिल्कुल रेडी कर दिया है, आप देख सकते हैं लूबी कंपनी का टुल्लू पंप है और इसमें ब्रास एल्बो लगा करके हमने सीपीवीसी कन्वर्ट करके हमने वाटर टैंक के लिए भेज दिया और इनलेट जो इसका है वो भी हमने ब्रास एल्बो लगा के एक निप्पल लगा के 3 इंच लंबी, वो देखिए वहाँ से हमारा टुल्लू पंप का इनलेट पाइप आता है जो कि वाटर सप्लाई का है, और ऊपर हमने GIT लगा के और ब्रास का वाल यूज़ किया। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने इसकी फिटिंग कर दी है, ये देखिए। सो गाइस, आपने देख ही लिया कि टुल्लू पंप किस तरीके से फिट किया हमने, GI भी थोड़ा सा किया उसमें, CPVC क्योंकि ज़्यादा हुआ है। GI इसलिए लगा दिया जाता है कि जब वाल वगैरह लगाते हैं, वाल ज़्यादातर मोटर पे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि कई पार्क में लगा दिया पानी या किसी बाइक वगैरह गाड़ी वगैरह को धो लिया, क्योंकि लोकल में तो ऐसा ही होता है कि बाइक वगैरह ऐसे धो धो लेते हैं मोटर के इसी प्रेशर से, तो वाल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए हमने वहाँ पे ब्रास का वाल लगाया है 15 mm का। तो सिर्फ दो तीन निप्पल लगी जो कि अपनी GI है, तो उसके पीछे हमने CPVC कन्वर्ट करके ब्रास एल्बो लगा के जहाँ से अपना पाइप आ रहा आपको दिखाई दे ही रहा है, आपने देख भी लिया वो किस तरीके से कहाँ से आया और जहाँ से उसकी पीछे सप्लाई आनी थी वो हमने कहाँ से लिए पीछे से, वो भी आपको देख लिया होगा, आपने देखा किस तरीके से हमने लाए हैं। तो जो भाई मेरे चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और किसी भाई का प्लम्बर के काम का क्वेश्चन हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज कर दें या मेरे को कमेंट कर सकता है। वैसे क्या है कि कमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं तो इसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है, इंस्टाग्राम में जो कोई मैसेज कर देगा उसको हम सोल्यूशन जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम वीडियो कॉल करके भी निकाल देते हैं, ठीक है। बस तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।